सो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ ये कल की ही वीडियो है जो मैंने कहा था कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वीडियो वही ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो अभी ये सेकेंड वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, हुरैन खाना खा के होमवर्क करके एकदम फ्री हो चुकी है। मैंने उसको रेडी कर दिया है ट्यूशन के लिए और अब मैं खुद नकाब ओढ़ रही हूँ ट्यूशन उसको छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हुरैन मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बिना नाटक के चली ही जा रही है। बस उसकी कुछ शराइत हैं कि मतलब मेरे साथ ये चीज़ होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वो रात में जब हुरैन को लेंगे तब। तो यहाँ पर क्या हुआ ना गाइस, जैसे ही हम नीचे उतरे ट्यूशन जाने के लिए तो नीचे ये अंकल हमको दोबारा मिल गए। तो हुरैन देख एकदम एक्साइटेड हो गई कि मम्मा कैंडी फ्लॉस, मम्मा कैंडी फ्लॉस। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हुरैन को इतना पसंद आएगा, क्योंकि ये सिर्फ शक्कर का तो बना होता है। बट वो अल्हम्दुलिल्लाह खाई और फिर मैंने वापस से अंकल से कहा कि हम एक छोटा सा और बना के दे दो अंकल। तो इस बार वो अंकल ने थोड़ा बड़ा बना दिया था उसी प्राइस में। तो यहाँ पर हुरैन का ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको ऑटो में बैठाया, तब भी जाते आते अभी कहाँ इतना जल्दी ख़त्म होता। तो मैंने उसको समझा दिया कि बेटा ये जो है ना, तुम इसको लेके जाओ ट्यूशन में, बैठ के आराम से खा लेना, टीचर से मांग के पानी पी लेना और जाके वॉशरूम में हाथ धो लेना, और फिर मैं शाम में तुमको लेने आऊँगी। तो जो जितनी भी तुम्हारी डिमांड है इंशाल्लाह मैं पूरी कर दूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैंने ना ये वीडियो को ना नेक्स्ट डे कंटिन्यू किया है। कल मुझे मौका नहीं मिला था आगे कंटिन्यू करने का। तो अभी दिन है वेनेसडे का और सुबह का वक्त है, कुछ 9:30 बज रहे हैं और अभी तक पानी नहीं चालू है, बट पानी चालू होगा। और जैसा कि अभी आपने देखा हुरैन सो रही है, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ बैठ के। मेरा काम मतलब मुझे ये हो रहा है कि आज मैं कुछ अपना जो पेंडिंग है वो। तो गाइज अभी हो गया है हुरैन की ट्यूशन का टाइम और अभी वक्त हो रहे हैं 5:15 बज रहे हैं। मैं फटाफट हुरैन के लिए सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि कल की तरह आज भी हमने थोड़ा लेट खाना खाया। बट उसने कहा कि मुझे जो है ना मम्मा मैं सैंडविच खा के जाऊँगी। तो जिस दिन मैं ब्रेड लेकर आती हूँ ना, तो हुरैन बहुत खुश हो जाती है कि मम्मा मुझे सैंडविच बना के देगी। तो फिर मैंने कहा अब तो आलू भी मैंने नहीं उबाला था, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है इसको प्लेन चीज़ सैंडविच बना कर दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके लिए वही सैंडविच बना रही हूँ, एकदम सिंपल सी। बस ब्रेड पे मैंने बटर लगाया है और उसके बाद ये स्लाइस चीज़ रख दूँगी। अदरवाइज़ कभी मेरे पास स्लाइस नहीं होता है तो मैं ग्रेट करके रख देती हूँ चीज़, बट ये ऐसे ही चीज़ रख के। और ये अमूल का चीज़ है, अमूल का चीज़ ऑलवेस्ट मतलब अच्छा रहता है ना हमेशा। मतलब हम लोग की तो फर्स्ट चॉइस अमूल ही होती है चीज़ में, बटर में, और बाकी दूध में दूसरा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मतलब चीज़ स्लाइस पे रख के और वापस से दूसरे ब्रेड पे ना बटर लगा के, और ऊपर नीचे सेकने के लिए भी लगाना है और अंदर की साइड पे भी दोनों ब्रेड पे मैं बटर लगाती हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको पैन में ना हल्का सा सेकूँगी, थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो ये वाला सैंडविच जो है ना हुरैन बहुत शौक़ से खा लेती है, मतलब एकदम सादी है। और बच्चे जो मतलब तीखा नहीं खाते हैं तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे। यहाँ पर भी ना हुरैन मुझे परेशान करी थी कि मम्मा वो स्लाइस में से ना थोड़ा सा दो ना, थोड़ा सा कोने में से तोड़ के दो ना। अल्हम्दुलिल्लाह उसको चीज़ इतना पसंद है। तो फिर मैंने उसको ना एक पूरा स्लाइस ही दे दिया। मैं बोला ले तू खा ले, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी मतलब प्रोटीन होती है चीज़ में, दूध में, पनीर में। तो अगर वो इस फॉर्म में खा रही है तो मैंने कहा ठीक है खा ले। और पनीर भी ना उसको बहुत पसंद है, बट सिर्फ फ्राई किया हुआ। अगर उसको हम थोड़ा सा बटर में या हल्का सा तेल में उसको फ्राई करके ऊपर से गोल्डन ब्राउन और अंदर से सॉफ्ट, तो वो भी वो ना शौक से खा लेती है। तो इंशाल्लाह मैं कभी उसके लिए ना पनीर सैंडविच ट्राई करूँगी, क्योंकि पनीर भी मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होता है और बच्चों के लिए तो ख़ास अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये मेरी सैंडविच जो है ऑलमोस्ट बन गई है। अब मैं उसको निकाल के और कट कर लूँगी। और ना बच्चों को ना थोड़ा सा टाइम के बाद ही अगर आप बना रहे हैं तो देना, क्योंकि अंदर जो चीज़ है ना काफ़ी गर्म हो जाता है और वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, क्योंकि वो दो स्लाइस के बीच में रहता है ना, तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो यहाँ पर ना मैं इसको कट करके ना, अभी आप देखो मैं इसको कैसे अरेंज करती हूँ।
तो अगर आप इसे अरेंज भी कर दी तो हवा लगेगी, मतलब सारी पीसेस खुली खुली हो जाएंगी ना, तो हवा लगेगी और हवे से भी वो जल्दी, जब तक बच्चा एक पीस खाएगा तब तक दूसरा ठंडा हो जाएगा, तीसरा ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं इस तरह से लग रही हूँ ताकि उसको हवा भी लगे उस चीज़ में। तो गाइज़ यहाँ पर तो हुरैन अपनी सैंडविच अभी इंजॉय करेगी। अब रही मेरी और आपकी बात, तो मैं यहाँ पर ना गाइज़ अपने मतलब YT स्टूडियो में देखती हूँ कि मेरी वीडियो को काफ़ी लोग देखते भी हैं और लाइक भी कर देते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। विदाउट सब्सक्राइब किए मुझे 65% लोग देख रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, तो कर दीजिए ना सब्सक्राइब, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके एक क्लिक से अगर किसी का किसी को खुशी मिल जाती है तो दे दो ना खुशी, एक मतलब सब्सक्राइब कर दो। तो अगर आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर देना। चलिए, आप नहीं सब्सक्राइब कर रहे तो आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई सब्सक्राइब कर दे मुझे, ठीक है। और ये यहाँ पर ना, ये हुरैन की मोस्ट फेवरेट जगह है, मतलब यहाँ पर इतनी जगह बन गई ना तो ये अक्सर आके यहाँ पर बैठ जाती है। और अभी बोल दी है खा पी के कि मम्मा छुट्टी करवा दो ना, मेरी प्यारी मम्मा छुट्टी करवा दो ना। तो प्यारी मम्मा भी बोल रही कि मेरा प्यारा बच्चा चलो ट्यूशन जाके आते हैं, उसके बाद 8 बजे के बाद तो छुट्टी ही छुट्टी है। तो वो मान नहीं रही है, वो मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही है। और ये अक्सर वहीं पर जाके बैठ जाएगी और कभी कभी ये जो बाजू की टाँकी है वो निकालेगी और ये खिलौने बाहर करेगी, वहाँ जाकर बैठ जाएगी। तो गाइस चलिए फिर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना, अच्छी अच्छी दुआओं में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे।